बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्लीशे, एग्जांपल्स ऑफ क्लीशे, एग्जांपल्स ऑफ शेक्सपियर फ्रेजेस दैट हैव बिकम क्लीशेज, टाइप्स ऑफ क्लीशे एंड की इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लीशेज एंड हाउ डू आई नो इफ समथिंग इज़ क्लीशे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लीशे। सो क्लीशेज वो एक्सप्रेशंस, वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, मतलब उसका यूजेज हम इतना ज़्यादा करते हैं कि वो अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो देता है। द मेन पॉइंट इज़ दैट दोज सेंटेंसेस, दोज फ्रेजेस एंड दोज एक्सप्रेशंस विच आर ओवर यूज्ड। ओवर यूज से मुराद जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हो, जो अपनी ओरिजिनलिटी खो दे, उसको हम क्लीशेस कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, क्लीशेज आर एक्सप्रेशंस दैट आर सो कॉमन, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, एंड ओवर यूज दैट दे फेल टू इम्पार्ट एनी रियल इम्पैक्ट्स ऑन योर सेंटेंस। या अ क्लीशे इज़ अ फ्रेज दैट ड्यू टू ओवर यूज इज़ सीन एज लैकिंग इन सब्सटेंस और ओरिजिनलिटी, मतलब जो अपनी ओरिजिनलिटी खो दे, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे एक्सप्रेशंस जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो, तो उसको हम क्लीशेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, telling a heartbroken friend that there are plenty of fishes in the sea is such a cliche that it would be probably not be all that comforting for them to hear, even though the saying is meant to be a reassurance. इस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है कि आपके वो दोस्त जो हार्ट ब्रोकन हो, जब आप उसे हौसला देते हो तो क्या कहते हो? तो आप यही कहते हो कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं, या ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, दुनिया में और भी है, ज़िंदगी में और आ जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप सिर्फ उसे हौसला दे रहे हो, लेकिन ये सेंटेंसेस जो आप उसे बोल रहे हो ये ओवर यूज्ड है। हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा जो हार्ट ब्रोकन होता है, उसके लिए यही सेंटेंसेस, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो यही सेंटेंसेस उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है हार्ट मतलब ओवर यूज्ड सेंटेंसेस हैं फॉर हार्ट ब्रोकन। इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल ये है, सपोज़ किसी भी मुल्क में कुछ होता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट जो है अकर होता है, तो क्या होता है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम मुजम्मत करते हैं, या हम मुजम्मत करते हैं इस वाक़े की। तो आपको पता चल जाता है कि ये ओवर यूज्ड सेंटेंसेस हैं जो पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन हो, जिधर किसी भी मुल्क का हो, वो जब भी उसी मुल्क में कुछ हो जाता है तो वो क्या यूज़ करते हैं? वो यही कहता है कि हम मुजम्मत करते हैं, या इस वाक़े की, जो भी हो। लेकिन जो आम पब्लिक होती है उसे पता होता है कि ये ओवर यूज्ड सेंटेंसेस है, इसने टीवी पे आके यही बोलना है, इसने मीडिया पे आके यही बोलना है। तो ये क्या है? ये ओवर यूज्ड सेंटेंसेस हैं, जिससे आप मतलब जो अपनी ओरिजिनलिटी जो है खो देते हैं ऐसे सेंटेंसेस। इसी तरह नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे दैट नाइट आई क्राइड माई सेल्फ टू स्लीप। अब ये भी कॉमन सेंटेंसेस हैं, कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, कॉमन फ्रेजेस हैं जो आप अपने दोस्तों से सुनते हो, अपने फैमिली मेम्बर से सुनते हो, या जो आपके ज़्यादा क्लोज़ होते हो उनसे सुनते हो। आई नेवर सॉ हर अगेन। अगेन मतलब यही सेंटेंसेस आप अपने जो आपके लवर फ्रेंड्स होते हैं आप उनसे यही सुनते हो कि आई नेवर सॉ हर अगेन। ये ओवर यूज्ड सेंटेंसेस हैं, मतलब जो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। आई डिडंट इवन गेट टू से गुड बाय। आपसे अगेन वही बात आ जाती है कि जो हार्ट ब्रोकन्स होते हैं जब वो अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, तो यही सेंटेंसेस वो आपके सामने बोलेंगे कि आई डिडंट इवन गेट टू से गुड बाय, इट वाज अ कोल्ड नाइट इन नवंबर, द सेम द लास्ट सेंटेंस आई फेल्ट लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। अब ये लास्ट सेंटेंस आपने अमूमन नोट किया होगा, बहुत से जो गर्ल्स होती हैं वो मतलब जो लड़के होते हैं वो गर्ल्स के लिए यही यूज़ करती है। जब बॉयज़ या गर्ल्स यही सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है? ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये अपनी ओरिजिनलिटी जो है खो देते हैं। अच्छा, क्लीशेज़ में भी फिर फ़र्क होता है, जैसे रोमांटिक क्लीशेज़। अभी आपने अमूमन देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू। ये भी ओवर यूज्ड सेंटेंस है, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है, ओवर यूज्ड जो है फ्रेज़ हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू। तो ये सेंटेंसेस आप सुनते आ रहे हो और सुनोगे आगे भी, फ्यूचर में भी यही सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है, इन सब एक्सप्रेशंस, इन सब सेंटेंसेस, इन सब फ्रेजेस को हम इंग्लिश में क्लीशेस कहते हैं। इवन जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये भी कहते हैं कि माई थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज़, कि मेरी जो दुआएं हैं, जो मतलब जो मेरे ख़यालात है वो जो हैं मेरी जो मतलब जो विक्टिम्स हैं उन फैमिलीज़ के साथ है, जो अमवात हुए हैं उन फैमिलीज़ के साथ है। इसकी एक और डिफिनीशन ये भी है, अ सेइंग और रिमार्क दैट इज़ वेरी ऑफन मेड एंड इज़ देयरफॉर नॉट ओरिजिनल एंड नॉट इंटरेस्टिंग, दैट्स कॉल्ड क्लीशे। अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, अगर किसी और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, तो ये क्या है, इट्स अ क्लीशे रिमार्क। इसी तरह बहुत से ड्रामास में और फिल्म्स में आपको ये मिलेगा, मूवीज़ में आपको देखने को ये मिलेगा कि वहाँ पे क्या होता है कि रिच और पुअर जो है मींस जो एक या लड़का रिच होता है या लड़की रिच होती है, तो वो क्या करते हैं, दे फॉल इन लव विद ईच अदर। तो ये आपको ये क्या है, ये क्लीशेज है, आपको पता होता है कि ये होना है, तो मतलब ये ओवर यूज्ड एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह इन स्टोरीज़ और फिल्म्स ऑफ द डायरेक्टर्स हैज़ बिकम क्लीशेड, वी ऑलवेज नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो ये क्या है, क्लीशेज़ हैं। इसी तरह अगर उर्दू लैंग्वेज की बात करें या किसी भी जो लैंग्वेज है या किसी भी उसमें जब कोई डेथ होती है तो उसमें क्या होता है, किसी की डेथ होती है तो जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ, ये ख़बर सुन के बड़ा अफसोस हुआ, अब ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ या ये ख़बर सुन के बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या है, ये क्लीशेज़ है, ओवर यूज सेंटेंसेस है, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशंस है, ओवर यूज्ड जो हैं फ्रेजेस हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ शेक्सपियर फ्रेजेस दैट हैव बिकम क्लीशेज़। Some of these original turns of phrase that have become so popular that they are now thought of as cliches. Here are just a few examples, like break the ice, the timing of the shrew. अब ये break the ice क्या है, ये भी एक phrase है जो शेक्सपियर के जो वर्क्स है उनसे लिया गया, तो ये क्या बना, ये क्लीशे बन चुका है। इसी तरह the world's my oyster, the merry wives of Windsor. इसी तरह what's done is done, मैकबेथ से लिया गया है जो कि शेक्सपियर की एक वर्क है। किल विद काइंडनेस, द टाइमिंग ऑफ द श्रीव, ये उस वर्क से लिया गया है। इसी तरह हार्ट ऑफ गोल्ड हेनरी फाइव से लिया गया है। तो ये सारे जो है क्लीशेज़ बन चुके शेक्सपियर के वर्क्स के, जो मतलब ये उसके वर्क्स में से जो सेंटेंसेस हैं या जो फ्रेजेस हैं या जो एक्सप्रेशंस है, ये सारे क्या बन गए, क्लीशेज़ बन चुके हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ क्लीशेज़ की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो है हमारे पास वो है थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशेज। सम क्लीशेज आर सो सिंपल एंड यूबिगिटियस दैट दे हैव द इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ और डिस्करेजिंग फर्दर कन्वर्सेशन। दीज क्लीशेज आर कॉल्ड थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशेज। दे टेंड टू बी शॉर्ट फ्रेजेस दैट अलाइन विद कॉमनली हेल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आर डिफिकल्ट टू रिफ्यूट और डिसप्रूव। थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशेज़ वो क्लीशेज़ होते हैं जिस पे आप बहस नहीं कर सकते, जिसको आप डिसप्रूव या डिस्प्यूट नहीं कर सकते। मतलब ये वो क्लीशेज़ हैं जिसमें मतलब आपको जो है एक किस्म की डिस्करेजमेंट मिलती है। इसके अगर एग्जांपल्स देखिए, लाइक द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। इसी तरह रूल्स आर रूल्स। तो ये क्या है, ये सारे जो हैं मतलब ऐसे क्लीशेज़ हैं जिस पे आप बहस नहीं कर सकते किसी के साथ, जो उन्होंने कहा तो आपने करना है, और ये ओवर यूज क्लीशेज़ है। इसी तरह एक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या बेटर सेफ देन सॉरी। और इसके अगर नेक्स्ट क्लीशे की बात करें, नेक्स्ट टाइप की क्लीशे की बात करें, द प्लेटिट्यूड्स। अ प्लेटिट्यूड इज़ अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट यूज टू ईज सोशल टेंशन और अदरवाइज अवॉइड अनप्लेजेंटनेस। फॉर एग्जाम्पल सेइंग इट्स व्हाट इट इज़, or after a difficult issue arises in no way solves the issue but rather serves as a way to just kind of ignore it. So platitudes cliches वो cliches होते हैं जो meaningless statements होते हैं, जो avoid करते हैं unpleasantness को। जैसे example है it is what it is what, अब ये एक meaningless statement है, avoid unpleasant करता है, तो ये क्या है, ये दूसरी type हुई cliches की। So key information about cliches. The term cliches carries a negative connotation. Cliches in works of art are treated as a sign of a lack of originality. पहले लाइन में यही बता रहा है कि इसकी एक नेगेटिव कोनोटेशंस होती हैं, यही बता रहा है कि ये जो है अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो सेंटेंसेस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, वो अपनी ओरिजिनलिटी जो है खो देते हैं। दूसरे पॉइंट में द वर्ड क्लीशेज इज़ ऑफन मिसयूज्ड एज एन एडजेक्टिव दैट इज़ सो क्लीशे बट इन फैक्ट इट इज़ अ नॉन दैट्स अ क्लीशे। द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ क्लीशे इज़ एक्चुअली क्लिश्ड एज इन हिज स्पीच वॉज सो क्लिश्ड। सो प्रोनाउंस्ड क्लीशेड या क्लीशे। तो दूसरे सेंटेंस में यही बता रहे हैं कि जो क्लीशे हैं ये एडजेक्टिव नहीं है, एक्चुअली ये जो है नाउन है। एंड थर्ड लाइन एवरी क्लीशे वाज एट वन अ न्यू एंड ओरिजिनल एक्सप्रेशन और आइडिया। इन मोस्ट केसेस क्लीशेज बिकम क्लीशेज बिकॉज ओरिजिनली दे वर सो कंपेलिंग दैट दे बिकेम पॉपुलर एंड इवेंचुअली ओवर यूज। तो इसमें यही बता रहा है कि कुछ क्लीशेज जो हैं वो जो है चेंज होते रहते हैं, न्यू क्लीशेज भी आते हैं, ओल्ड जो क्लीशेज है उसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन वही जो है ओवर यूज्ड फिर होते हैं, फिर वो जो है अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो देते हैं। हाउ डू आई नो इफ़ समथिंग इज़ क्लीशे? जॉर्ज ऑरवेल डिस्क्राइब क्लीशेज एज दोज इमेज कंसेप्ट और फ्रेजेज दैट हैव लॉस्ट force. Most cliches probably started as a fresh and exciting but have lost their energy over repeated use. For example, he was tall, dark and handsome. Her heart skipped a beat. She worked like a dog. George Orwell वो भी यही describe कर रहे हैं कि cliches जो हैं वो न्यू होते हैं, मतलब इमेज के फॉर्म में होते हैं, concepts और phrases होते हैं that have जो अपनी force, जो अपनी originality जो है खो देते हैं। जैसे इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ही वॉज टॉल डार्क एंड हैंडसम। अब ये क्लीशे जो है अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो चुका है। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप हर दूसरे तीसरे बंदे से यही सुनोगे। हर हर्ट्स केप्ट अ बीट, शी वर्क लाइक अ डॉग। लेकिन ये सेंटेंसेस आपको पाकिस्तान में बहुत कम मिलेंगे या इंडियन या एशियन में बहुत कम मिलेंगे। ये ज़्यादातर यूज होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये क्लीशेज ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड वी हैव ऑल हर्ड दीज फ्रेजेस बिफोर एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे मीन बट दे डोंट इवोक एन इंटरेस्टिंग इमेज और अ कंपेलिंग इमोशन। तो इसमें इस क्लीशेज को सुन के आपके अंदर कोई इमोशंस तो मतलब एरोज नहीं होते। इमेज प्रोबेबली डोंट एराइज एट ऑल। वी डोंट पिक्चर अ लॉन्ग स्टार्टिंग वाइल इंगेज इन द एक्टिविटी एट द फ्रेज वर्क लाइक अ डॉग बिकॉज इट इज़ सो फेमिलियर। वी जम्प स्ट्रेट to what it means. She worked very hard. तो ये जो लास्ट क्लीशे हैं she worked like a dog, इसका क्या मतलब है कि किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो उसके लिए हम फिर ये क्लीशे यूज़ करते हैं। क्लीशेज आर नॉट आवर ओन वर्ड्स, ये हमारे अपने अल्फाज नहीं होते। क्लीशेज जो होते हैं someone else came up with that combination of words. We use them as an easy way to express a sentiment. But creative writing isn't about finding the easy way, it's about precision. So if you have heard it before, it's a cliche and best avoid it. क्लीशे जो हैं ये हमारे अपने अल्फाज नहीं होते। क्लीशे क्या होते हैं? ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं और ये क्लीशे बन जाते हैं। तो इसको जो है हम राइटिंग वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसे फॉर्मल राइटिंग हुई उसमें हम क्लीशेज़ का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह हो तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। और फिर ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे अगर आपको फ़ील हो कि ये क्लीशे है तो उसको एवॉइड करो यूज़ करने से। मीन्स अपने राइटिंग में यूज़ करना उसे छोड़ दो, उसे यूज़ कभी भी नहीं करना। So this was all about today's topic cliches. I hope this video has been helpful for you. एंड अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब ये भी एक क्लीशे है, जैसे मैंने कहा लाइक शेयर कमेंट, आप अमूमन यूट्यूबर से सुनते होंगे, वो यही कहते हैं कि लाइक शेयर कमेंट या सब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये क्लीशे हैं, ये ओवर यूज सेंटेंसेस हैं जिसने अपनी ओरिजिनलिटी जो है खो दी है। तो ये भी क्लीशे हुई। फिर भी आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।